सैमसंग के गैलेक्सी नोट 7 के ब्लास्ट होने की खबरें तो आपने सुनी ही हो गई, लेकिन आज हम आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। गैलेक्सी नोट 7 के बाद अब एप्पल आईफोन 7 में ब्लास्ट की खबर सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति मैट जोन्स ने दावा किया है कि एप्पल आईफोन 7 उसकी कार में ब्लास्ट हो गया है। जोन्स ने बताया कि जब फोन ब्लास्ट हुआ तब वो कार में नहीं था, वह अपना आईफोन 7 कार में छोड़कर सर्फिंग क्लास देने गया था। जब वो वापस लौटा तो उसकी कार की खिड़कियां बिल्कुल काली हो चुकी थी। जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला तो उसकी कार में आग लग गई। मैट जोन्स ने दावा किया है कि ये हादसा आईफोन के ब्लास्ट होने के चलते ही हुआ है। फिलहाल इस हादसे की जानकारी एप्पल कंपनी को दे दी गई है। कंपनी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गैलेक्सी नोट 7 के बाद अब एप्पल आईफोन 7 का ब्लास्ट होना एक गंभीर बात है। फिलहाल एप्पल मामले की जांच में जुट गई है। देखते रहिए टीवी लाइव।